इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकते, हमारी पार्टी का निर्देश है कि अभी इस पर कुछ मत बोलो, विचार करके खत्म होती है नहीं होती है ये भी तो देखना पड़ेगा। अभी तो संसद में बात चल रही है तो उस संबंध कुछ नहीं कर सकते, पर एक ही प्रार्थना करेंगे, जो केंद्र सरकार के लोग पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, उससे एक ही अनुरोध है कि देश में सांप्रदायिकता का जहर ना फैलाए। ये डिस्कशन समाप्त होने चाहिए, मीडिया को भी ये डिस्कशन समाप्त करने चाहिए, क्योंकि जितना जहर फैलेगा समाज उतना ही अवनति की ओर जाएगा, अशांति का वातावरण बनेगा। कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, कर सकता है, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। कितनी सरकार बोलती रहे कि हम सब सुरक्षित रहेंगे, पर जहाँ बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, आजकल कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ की आपके गांव का आदमी नहीं गया है, आपके जिले का आदमी नहीं बैठा है, उसके माँ बाप यहाँ नहीं बैठे हो, कोई शहर ऐसा नहीं, चाहे भोपाल, जबलपुर, मध्य प्रदेश के शहर हो चाहे सारे के, तो कहीं कुछ भी गड़बड़ होती है यहाँ आदमी अपनी बेटी की कल्पना करना करने लगता है, अपनी बेटी की कल्पना करने लगता है कि मेरी बेटी बेंगलोर में नौकरी कर रही है और वहाँ ये गड़बड़ हुई है, हैदराबाद में कर रही है, बम्बई में कर रही है, तो कम से कम इस वातावरण को ना बिगाड़े, यही मेरी उनसे।